लोग नहीं है, ये लोगों का प्यार नहीं, ये मेरे अपनों का प्यार है जो मेरे पास आता है। मैंने लोग कमाए। द प्लेजर ऑफ द सक्सेस गेट्स डबल व्हेन यू हैव योर ओन पीपल स्टैंडिंग बाय। इफ यू गेट पीपल लाइक आशीष, नथिंग लाइक इट। इस बार फार्म पे पहली दिवाली है। मैं जो चाहता था मुझे भगवान ने उससे कई गुना ज़्यादा दिया। दिवाली नॉर्थ इंडिया के अंदर और ज़्यादा एलैबोरेटेड होती है। आई वाज अ नॉटी चाइल्ड। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती थी, दादा दादी पूजा करते थे। गाइस, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। तो दिवाली का मौका है और मेरे ख्याल से इनसे खास गेस्ट मिली हो नहीं सकता, क्योंकि जिनसे दिल से बातें होती है और दिल वालों की जो दिवाली है ना वो अलग होती है। भाई पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू आशीष भाई। और पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलना चाहूँगा, भाई को अवार्ड मिला है। हालांकि भाई आ नहीं पाए, लेकिन भाई प्यार लगातार आपके लिए बढ़ता जा रहा है लोगों का, क्या कहना चाहूँगा यार? आप इतना प्यार देते हो, सबसे पहले मुझे लगता है कि मेरे लिए लोग नहीं है, ये लोगों का प्यार नहीं, ये मेरे अपनों का प्यार है जो मेरे पास आता है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरे काम को सराहा जाता है और आप जैसे लोग साथ में मैं कमाता हूँ। मैंने लोग कमाए एंड आई फील ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ यू अराउंड। आई थिंक द प्लेजर ऑफ द सक्सेस गेट्स डबल व्हेन यू हैव योर ओन पीपल स्टैंडिंग बाय यू, व्हेन दे लुक एट यू विद ऑनर, विद रिस्पेक्ट। दिस इज द लव दैट वन वांस गेट। आई थिंक सारे एक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द पर्क्स दैट दे गेट, द मनी दैट दे गेट, इफ यू गेट पीपल लाइक आशीष, नथिंग लाइक इट। दैट्स व्हाट यू नीड। भाई दिवाली है और तोहफों की, पुरस्कारों की, अवार्ड्स की तो लड़ी लग चुकी है, इस बार क्या कुछ खास होने वाला है दिवाली? दिवाली पे खास ये हो रहा है कि मैं अभी इंटरव्यू देने के बाद फ्लाइट पकड़ के घर जा रहा हूँ और घर पे मज़ेदार फार्म पे जा रहा हूँ। इस बार फार्म पे पहली दिवाली है अपने फैमिली के साथ, पापा मम्मी के साथ, और अपने घोड़े आए हैं, अपने वो सब बनाए हैं, तो आई थिंक वो सब गोना बी सेलिब्रेटिंग एट माई फार्म। और दिवाली है, हर कोई कुछ ना कुछ मांगता है और खासकर आज धनतेरस है, क्या कुछ मुराद है जो आप मांगना चाहोगे? वैसे शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसी बात है जो शेयर कर सकते हो वो क्या होगी? मैं नहीं करूँगा, टेंशन मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं जो चाहता था मुझे भगवान ने उससे कई गुना ज़्यादा दिया। मेहनत करना चाहता था, मुझसे ज़्यादा कई ज़्यादा मेहनत भी कराई। स्ट्रांग बनना चाहता था, भगवान ने मुझे स्ट्रांग भी बनाया। पैसा वैसा सब बाय प्रोडक्ट आता जाता रहता। सो मुझे जो चाहिए था वो सबसे ज़्यादा मिला। इस साल मेरे लिए और खुशनसीबी की बात यह है कि मॉम वेंट ऑल राइट, शी बिकेम ऑल राइट। सो दिस वाज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट आई कुड आस्क फॉर दिस दिवाली और दिस ईयर। सो व्हाट एल्स आई कैन आस्क फॉर? नथिंग एट ऑल। और दिवाली की बात की जाए तो ऐसी कोई मेमोरी जो आपको याद आती हो, यादों के झरोखों से कुछ बताना चाहे दिवाली के लिए? बहुत सारी। दिवाली नॉर्थ इंडिया के अंदर और ज़्यादा एलैबोरेटेड होती है, तो हम लोग वी हैड आर शेयर ऑफ क्रैकिंग क्रैकर्स एंड बर्स्टिंग क्रैकर्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट अब नहीं वो करता हूँ। बट आई रिमेंबर पेरेंट्स यूज टू गो टू रिलेटिव्स, उनको सब गिफ्ट देते थे, सारे रिलेटिव्स हमारे घर पे आते थे गिफ्ट्स लेके। तो मैं क्या करता था कि सारे गिफ्ट्स को खोलता था, जो मेरे मतलब का सामान होता था उसको लेता था, वो मेरे रूम में चला जाता था। सो आई वॉज अ नॉटी चाइल्ड एंड आई एम ग्लैड आई वॉज अ नॉटी चाइल्ड। सो बहुत मज़ेदार लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती थी, दादा दादी पूजा करते थे, और उसके बाद 100 रुपये मिलते थे। सारे बच्चों को 100 रुपये मिलते थे। बैक इन दोज डेज 100 रुपये बहुत होते थे। और फिर काजू कतली खाने को मिलती थी, काजू कतली जो बर्फी, काजू की बर्फी बोलते हैं, और वो सब बोलता था। ठंड होती थी, हमें जैकेट्स मिलते थे पहनने के लिए, नए स्कूल की नई ड्रेस आती थी एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत इट वाज फन, तो मज़ा आता था। और दिवाली है, सेलिब्रेशन है, खूबसूरती, और भाई जब मेरे इतने माशाल्लाह इतनी हैंडसम पर्सनालिटी होती है कि जावेद भाई आप भी आओ और बताओ कि हेयर वेयर का कैसे ख्याल रखा जाए, स्किन का कैसे ख्याल रखा जाए, आप बताइए, फिर भाई से उनका पर्सनल टिप्स भी लूंगा। नहीं, हेयर का तो एक आप अच्छा शैम्पू यूज़ करना चाहिए सबसे पहली चीज़ तो ये। फिर बाद में जैसे हेयर कट के लिए आते हैं तो आप हेयर स्पा कराइए, फिर हेयर स्पा के बाद में अपने फेस का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अभी जैसे विंटर आ रहा है ठंडी, तो फेशियल। आप मुझे ये बताओ कि आपकी सॉल्ट एंड पेपर जो दाढ़ी है आपकी, ये बहुत इन है आजकल हमारी इंडस्ट्री में। जी, ये इसका राज क्या है ये बताइए? ये नेचुरल। मैं भी एक बार पूछ रहा था भाई कि ये क्यों कलर क्यों नहीं करवा रहे? हाँ, मैं कलर एक टाइम में किया तो प्लीज मत करना।
ये बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। और जो जो कहे जो कर लेना कलर, तो बिल्कुल मत करना, ये बहुत बढ़िया लग रही है। मेरी बिटिया भी यही बोलती है कि बिटिया, मेरी बिटिया ने बोला कि कलर नहीं करने का, तो उसकी वजह से मैं कलर नहीं। मैं मानता हूँ कि नेचुरल चीज बेस्ट है, बेस्ट है। जो भगवान ने दिया, अल्लामिया ने दिया, वो बेस्ट बेस्ट आई थिंक, उसको नहीं चेंज करना। ये एकदम सही बात है। मरीदा, आप पर्सनली कैसे अपने हेयर्स को, अपने स्किन को कैसे फिट रखते हो, और क्या कुछ टिप्स देना चाहूंगा? यार टिप्स तो मैं, मुझे आई थिंक आजकल यूट्यूब पे स्किन टाइप करो तो 50,000 ट्रीटमेंट आ जाते हैं। तो मैं आई लाइक नेचुरल वे। आई लाइक टू स्लीप ऑन टाइम, वर्कआउट, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, दैट्स अबाउट इट। हम लोग मेकअप वेकअप ज़्यादा करते हैं, बालों में प्रोडक्ट ज़्यादा लगाते हैं, डैमेज होता ही है। वंस इन अ व्हाइल जावेद भाई मिल गए, वंस इन अ व्हाइल आते रहेंगे इनके पास अपने, यू नो, कुछ ना कुछ। थैंक यू, थैंक यू। तो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, जैसे जावेद भाई ने बोला कि अच्छा शैम्पू, अच्छी ऑयलिंग, ऑल द विटामिंस, ग्रेट फूड, स्लीपिंग ऑन टाइम, ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। You know, जो एक्सटेंडेड फैमिली है इतनी ज़्यादा, कुंडली भाग्य से लेके, फिल्म से लेके, सीरीज, हर चीज़ को इतना आपको पसंद करती है, और आगे भी मेरे ख्याल से दिन ब दिन वो बढ़ती जाएगी, उन सबको क्या बोलना चाहिए? विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली फर्स्टली। सेलिब्रेट दिवाली बट रिस्पॉन्सिबली। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि जानवरों को परेशान करें, तो आप जानवरों का खास कल ख्याल रखें। प्लीज़, व्हेन यू बर्स्टिंग क्रैकर्स, be responsible and be sensitive towards animals, stray dogs, stray cats, pigeons, sparrows. They are the part of our ecosystem. Respect it. And that's about it. Go have fun. Ek baar happy Diwali bol do. Guys, happy Diwali. Happy Diwali to everyone. Happy Diwali to everyone out there. Thank you, bhai.